मेरे मेरा सवाल कारोबार से है, कारोबार से मुतालिक है। जैसा कि हमारा रेत का कारोबार है, रेत यानी जो सैंड नहीं होती क्या, सैंड। हाँ हाँ ओके समझ तो गया। बाकी हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक नागपुर है से, और बाकी मुमालिक में शेख जो है सुने का, जैसा बाकी रियासत, तो मैंने कहा जो छोटे रेत के कारोबार के लिए, जो सब बिजनेस के लिए मुबाह यानी ओपन दिन का काम है, और यहाँ की जो हुकूमत है ये दिन का काम देना नहीं चाह रही है, रिहाइश नहीं मिले छोटे गाड़ियों के लिए, तो शेख इसी सूरत में हमें रात में रेत निकालना पड़ता है, तो ये जायज है क्या शेख? कोई थोड़ा सा इख्तलाफी यानी थोड़ा वजाहत कीजिए। रात, जी यानी जी रात जी शेख। रात में काम करना, रात में काम हाँ करना। जी, रात में काम करना, विदाउट देखिए परमिशन, परमिशन नहीं दे रहे हुकूमत। देखिए, दो बातें आप दोनों को समझिए। शायद ये इश्काल आपको इसलिए आ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद जागने से मना फरमाया है कि ईशा के बाद जागना मना है, ईशा के बाद सो जाओ। लेकिन जी अगर कोई कोई आदमी ईशा के बाद किसी मसलहत के लिए, किसी काम के लिए, किसी जायज काम के लिए जाग रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सफर कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, कोई भी मसलहत वाला वाला काम, तो उसके जी लिए मना नहीं है। ईशा के बाद लगो जागना ये मना है, बेकार में फालतू में जागना मना है। ईशा के बाद लेकिन किसी शेख काम से जागना मना नहीं है। सुनिए, बात सुन लीजिए पूरी। दूसरी बात, आपने कहा ये मसला दूसरा है, ये मसला आप अच्छे समझ लीजिए कि ईशा के बाद रात में जाग के काम करना मना नहीं है। ऐसे फालतू में लगो काम करना या कोई हराम काम करना जाग करके, ये जागना जायज नहीं है। अगर आप किसी काम के लिए जाग रहे हैं तो जायज है। दूसरा मसला कह रहे हैं कि हम वो काम बगैर परमिशन के करते हैं रात में, यानी इजाजत नहीं है हुकूमत की तरफ से। तो अगर हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं है तो गोया कि आप गलत कर रहे हैं। तो ये मसला दूसरा है कि बगैर परमिशन के करना जायज है कि नहीं, और ये मसला दूसरा जी है कि रात में करना रात सही है को कि करना नहीं। जाए नहीं। जी नहीं शेख, मेरा और थोड़ा कंफ्यूजन है। मसला ये है कि दूसरे रियासतों में दिन की परमिशन है वही काम के लिए, जी दिन, और यहाँ पे जो है सोने का परमिशन है ही नहीं, दिन में तो है ही नहीं। अब रात में चोरी रिक्स पे करते ऑन रिक्स पे। हैं, जी चोरी, हाँ चोरी करते हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं, ऐसे सीधा कर जी जी देते शेख, सीधा सीधा हैं, नहीं जायज है, बिल्कुल नहीं जायज है। शेख, ये तो हुकूमत बाकी के बगैर दूसरे रियासतों की हुकूमत तो शेख इजाजत देती है कि परमिशन, यानी दिन में जैसा लीगल काम रहता है छोटे छोटे गाड़े वालों के लिए। भाई मेरे बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें रियासतें खुद मुख्तार होती हैं, रियासतों को हक होता है कानून बनाने का। तो जहां जी पे इजाजत है वो भी कानून है, जहां पे इजाजत नहीं है वो भी कानून है, तो कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तमाम चीजों में पूरी दुनिया के, पूरे पूरे हिंदुस्तान के कानून एक थोड़ी हैं। रियासतों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कानून अलग अलग हैं, तो वो कानून ही है, उसको फॉलो करना होगा। शेख, जी लेकिन फिर जैसा वही काम आता है दूसरा काम, या मतलब मैंने वो क्या बोलते हैं, जैसा कि यानी रेत के सिवा दूसरा काम वो गाड़ी पे आता ही नहीं है, तो फिर शेख वो गाड़ी को करे क्या? अब भाई मेरे, अब ये अगर किसी काम से हुकूमत मना कर रही है तो इसका मतलब थोड़ी हम हराम करने लगेंगे। दूसरा काम, लाखों करोड़ों काम है दुनिया में, दूसरा काम तलाश करेंगे। हाँ ठीक है हाँ शेख, लेकिन हाँ नहीं ये बिल्कुल जायज दुनिया नहीं भी है। बिल्कुल लेकिन सही है, वकील लेकिन परमिशन नहीं, नहीं दे रही हुकूमत, यानी बिल्कुल मना ही है ये छोटे गाड़ा वालों बिल्कुल, के लिए। अगर मना है तो सबके लिए मना है, आपके लिए भी मना है, दूसरों के लिए मना है, सबके लिए मना है, और उसको करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, इसमें कोई भी लेकिन वकील नहीं है।